के रहने वाले, हम भारत के रहने वाले, यहाँ की रीत पुरानी, कुछ आए ना आए हमको आए प्रीत निभानी। यही ओम यही जय जगदीश करते हैं मनमानी, गंगा जमुना सरस्वती में होती खींचातानी। थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है नादानी, थोड़ी है सच्चाई हम में, थोड़ी बेईमानी। दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी। हम जो भी है जैसे भी अच्छे हैं, झूठे हैं लाख सही दिल के सच्चे हैं। प्यार भरा हो अपना आंगन, रिश्तों की खुशबू से महके तन मन। कभी नजर ना लगे हम सबके घर को, चलो शुक्र करें हम अपने रब को। बात जुबां की समझ सको तो समझो दिल भर जानी, इस मिट्टी के लिए हम अपनी दे देंगे कुर्बानी। थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है नादानी, थोड़ी है सच्चाई हम में, थोड़ी बेईमानी। दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी। जिंदगी भर कवारी बैठी रहूं, लेकिन राहुल के सिवा और किसी को अपना हमसफर नहीं बनाऊंगा। अब अंजलि इस घर से सिर्फ डोली में बैठकर जाएगी, वो भी उस लड़के के साथ जिसे मैं पसंद करूंगा। ये घर से बाहर नहीं निकल सकती, लेकिन राहुल तो इस घर में आ सकता है ना। मुझे इस घर की कमजोरी पता है। अंजलि की शादी का ख्याल पापा के दिल में आया है, इसीलिए लड़के वालों को घर में बुलाया है। हीरा है हमारी अंजलि, हीरा लाखों में एक। अबे घर का कौन सा ऐसा काम है जो उसे नहीं आता हो? मैं तो कहता हूँ जी, आपको किसी तरह की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। हमने तो शादी से पहले अंजलि का 5 लाख का जीवन बीमा कर दिया। अब हम भी शादी से पहले जीवन बीमा क्यों नहीं करवा लेते, क्यों बाबू? अब ठीक है, शादी के बाद बात। अब मैं भी अपनी बहन के बारे में 2 शब्द प्लीज कहना चाहूंगा। हाँ कहिए ना। थैंक यू। फूलों का, तारों का, सबका कहना है, 1000ों में मेरी बहना है। And here's a guy who's come for her, and here's a guy who wants to marry her. Yo! Sorry, overexcited हो जाता हूँ। वाह, क्या खाना पकाती है अंजलि, आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अच्छा, मैं तो कहती हूँ आपके घर को स्वर्ग बना देगी वो। क्या बोल रही हो? क्या आप भी तारीफ कीजिए ना। अरे क्या तारीफ करूँ? अब क्या तारीफ करूँ, इन सब ने तो सब कह ही दिया। And I tell you, हमारी अंजलि इतनी अच्छी लड़की है, इतनी अच्छी लड़की है कि हम तो चाहते हैं उसकी शादी कल ही हो जाए। हो जाए, चट मंगनी पट ब्याह हो जाए। क्या कह रही हो? क्या कह रही हूँ, अब क्या करूँ जी? सुनिए, अभी अभी जो हम सब ने कहा ना, वो सब झूठ था। सुनो, सच था। राजू, राजू आ गया, आ गया। हाँ, लेके पहला पहला प्यार अपनी आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया कोई जादूगर। लीजिए। क्या? Wow.
अच्छा यहाँ से लीजिए। नो थैंक्स। समोसे तो बहुत अच्छे बने, जरूर अंजलि ने बनाए होंगे। नहीं नहीं नहीं, ये तो हमारे राजू के हाथों का कमाल है। अच्छा रियली? भाई साहब, अगर बात पक्की हो जाए तो आप अपने नौकर राजू को भेज दीजिएगा हमारे साथ दहेज में। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों? अगर आपको चाहिए तो हमारे दो बेटों में से किसी एक को ले जाइए। पापा जी। पापा, मेरे ख्याल से तो दोनों को ले जाइए। अरे हीरा है हीरा अपना राजू, जिस घर भी जाएगा ना बस स्वर्ग बना देगा। क्यों पापा? ये मुझसे क्यों कह रहे हो? ऐसे ऐसे भाई राजू, चाय वाय का इंतजाम करो बेटा, जा। अरे लाते हैं, अभी लाते हैं, फौरन लाते हैं। लेके पहला पहला प्यार अपनी आंखों में खुमार। राजा से भी अच्छा गाता है। सिखाया बाबूजी उसको। क्या बात है, ऐसी शक्ल क्यों बना रखी? चाय लेके ऐसे नीचे जाओगी तो क्या सोचेंगे बोलो? राहुल, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं इस लड़की ने मुझे पसंद कर लिया तो? मुझ पे भरोसा नहीं है। फिर भी? फिर भी तो here you go। खाइए ना आप लोग, और लीजिए। आप अच्छी लीजिए। नहीं नहीं, आप लीजिए ना। आप बेटे खाइए, आप खाओ भाई। राजू ने बनाया है, माहिर है खाना पकाना। हाँ आ गई अंजलि। हाँ अंजलि आ गई। आ बेटा, आराम से ध्यान से। अंजलि, इन्हें अंदर ले जाओ। सॉरी, साफ कर दीजिएगा। हाँ आइए। माफी चाहता हूँ, बच्ची से जरा वो। कोई बात नहीं, हो जाता है, ऐसे में बच्चे नर्वस हो जाते हैं। कोई बात नहीं। हाँ आप बैठिए ना, आप बैठिए ना, आप बैठिए। जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं? कहना तो चाहती हूँ। तो कहिए ना। डर लग रहा है। देखिए, इसमें डरने की कोई बात नहीं, आप बेझिझक मुझे कह सकती हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती। जी, लेकिन क्यों? मैं किसी और से प्यार करती हूँ और मेरे पिताजी को ये पसंद नहीं है, इसलिए जबरदस्ती ये शादी करके ना मैं आपको खुश कर पाऊंगी ना खुद खुश रह पाऊंगी। हम दोनों की जिंदगी का फैसला आपके हाथ में है। तो ये बात है। वैसे तो मैं इस शादी को किसी भी हाल में मना करने वाला नहीं था, लेकिन वो क्या है ना,
कि मुझे आंसुओं से बड़ी एलर्जी है और डॉक्टर ने मुझे कहा है कि हर वो चीज जिससे आंसू निकलते हैं उससे आप दूरी बरते तो ही बेहतर है। और हमारी और आपकी शादी हो गई तो आप तो रो रो के मेरी बैंड ही बजा देगी, है ना? इसलिए बेहतर यही है कि मैं इस शादी के लिए मना कर दूं। थैंक्स। देखिए माय प्लेजर तो मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि आप जैसी लड़की को ना पाने का दुख तो मुझे भी होगा। एनीवेज ऑल द बेस्ट। थैंक यू। एंड नो टीयर्स, वरना मैं अंदर जाके हाँ कह दूंगा। राहुल क्या बात है, लड़का तो वैसे अच्छा था। रॉन्ग डिसीजन। राहुल मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है मेरे यार, ओ मेरे यार। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है मेरे यार, ओ मेरे यार। सुना है मैंने, सुना है तूने, यही कहते हैं जमाने वाले। शरारत की नहीं जाती, शरारत हो जाती है मेरे यार, मेरे यार। दिल है फिर भी हिंदुस्तान, दिल है फिर भी। क्या हुआ प्रकाश? कुछ नहीं। हमेशा की तरह? हाँ, आज भी हमेशा की तरह कुछ नहीं हुआ। और आज वो हुआ जो मेरा और मेरे बॉस के बीच में आज तक कभी नहीं हुआ। क्या? झगड़ा। और आज मेरे बॉस ने मुझे नोटिस दे दिया कि अगर 2 दिन के अंदर मैं क्लाइंट लेकर नहीं आया तो मेरी नौकरी से छुट्टी। अरे अब इसमें रोने की क्या बात है, अभी छुट्टी हुई नहीं है, अभी 2 दिन का टाइम है। अरे क्या तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार, जब देखो मम्मी के घर चली जाऊंगी, मम्मी के घर चली जाऊंगी। देखिए मम्मी के वहां जाने से कुछ नहीं होगा, हाथ देखने से होगा। देखो अरे वीरम, तुमको हाथ देखना भी आता है? हाँ जी, हमको हाथ लात कान मुंह सब देखना आता है। फिलहाल हाथ ही ठीक है, दिखाइए। ये देखिए इधर प्रॉब्लम है। कहाँ? आपका जो शनि है बहुत भारी है। अच्छा? गुरु जो है शनि में बैठा है, शनि जो है गुरु में बैठा है, गुरु दूसरे में बैठा है, तीसरा चौथे में, चौथे पांचवे में। कौन कहाँ बैठा भाई? कंफ्यूजन है, गड़बड़ है। तो 50 रुपीज दीजिए। 50 रुपीज? देखिए सवाल बहुत पूछते हैं। देखिए क्या है, थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा, शनि को शांत करना है ना। अच्छा, फिर शनि शांत हो जाएगा? पक्का गारंटी है? पक्का गारंटी, काम हो जाएगा ना। देखिए अभी आप लोग ये गर्मा गर्म चाय पीजिए, हम पिताजी को फोन करके आते हैं। पिताजी को? भगवान जी भी तो सबके पिताजी होते हैं। भगवान को जाओ, शाबाश राजू, लेकिन काम कर देना। पक्का हो जाएगा, फुल गारंटी। आई टेल यू, पक्का काम कर देना राजू तुम। अरे बोल रहे ना, वो चाय पियो। और हाँ, ये बात बात पर मम्मी के घर मत जाया करो तुम, तुम्हारी नौकरी छूट जाएगी तो जाना ही पड़ेगा ना। चाय पियो। क्या कहा आपने? कंपनी के एम्प्लॉयज की इंश्योरेंस पॉलिसी निकालो। बेटे अपनी फैक्ट्री टेक्सटाइल फैक्ट्री है, यहाँ कोई बम बनाने जैसा कोई खतरनाक काम नहीं होता जिसके लिए सारे एम्प्लॉयज की मैं इंश्योरेंस पॉलिसी निकालू। प्लीज पापा, मेरे होने वाले साले का सवाल है वो, देखे ना वैसे भी बहुत मुसीबत में है वो। बेटे ये तेरी मोहब्बत जो है ना मेरे लिए मुसीबत बन जाएगी यार। पापा आपके लिए 50-60 लाख रुपए है ना मूंगफली के बराबर है। क्या कहा? 50-60 लाख रुपए यानी मूंगफली? नहीं नहीं, मेरे लिए भी तरबूज जैसा है, तरबूज जैसा। हाँ पापा आप कर रहे हैं या नहीं, वरना मैं आपसे बात नहीं करूंगा। बाप को ब्लैकमेल कर रहा है? हाँ। एक वो मजनू था जिस मजनू ने अपनी मोहब्बत की खातिर अपने खुद के कपड़े फाड़े थे, और आज के जमाने का, मॉडर्न जमाने का तू एक मजनू
जो अपने खुद के नहीं अपने बाप के कपड़े फाड़ रहा है। ठीक है बेटे, एक ही तो औलाद है मेरी, ये सब कुछ तेरा ही है। तू भी क्या याद करेगा तेरे को ऐसा बाप मिला था। जा, तेरा काम हो जाएगा। पक्का? अच्छा, थैंक यू। अच्छा सुनिए, याद रखिएगा गुड वर्क इंश्योरेंस कंपनी और मिस्टर प्रकाश। अच्छा सुनिए, मैं रखता हूँ, बाद में बात करता हूँ, ठीक है? पागल। भाई बहुत भूख लगी। थैंक यू। तो भाई खाने की खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। खाना कैसा है? बहुत। अरे नटराज होटल का खाना कभी खराब नहीं हो सकता है। नटराज होटल? खाना पकाना वही सीखा है ना। बाबा जी अब लीजिए। भाई रोटी लो, रोटी। बाकी बच्चा लोग नहीं आया? नहीं हो, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा क्या हो रहा है इस घर में। हमारा खाना ऊपर भेज दो। राजू हमारी तो थाली भी ऊपर भेज देना। और जल्दी लेकर आओ। लगता है बच्चा लोग को थोड़ा सबक सिखाना पड़ेगा। देखिए सुनिएगा, हम ऊपर किसी का खाना वाना नहीं भेजने वाले हैं। हम तीन तक गिनेंगे, आप लोग नीचे आ रहा है वरना हम जा रहा है अमरानी मुखर्जी के वहाँ। क्या? तुम तो खाम खाम ही भड़क रहे हो यार। वो तो हम सब ने इसलिए कहा था कि ऊपर बैठ के खाने में थोड़ा मजा आता है। देखिए हम तो इतना जानते हैं कि साथ में बैठ के खाने में प्यार बढ़ता है। खाइए ना बाबूजी, खाइए, लीजिए। भाई तुमने तो कमाल कर दिया। जो काम मैं इतने वर्षों में नहीं कर पाया तुम्हारी एक धमकी ने कर दिखा दिया। खाइए खाइए। खाइए खाइए। कितना मजा आ रहा है बाबूजी ऐसे बैठ के खाने में। एक एक ना मैंने अभी अभी नया कंपोज किया है गाना, आप सुनेंगे प्लीज? सुना भगवान। सुन लीजिए ना बाबूजी, बहुत अच्छा है नया है। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, दाल है कहीं कहीं है छाज और दही, हर पल यहाँ आओ पियो फिर ये समा कल हो ना हो। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, दाल है कहीं कहीं है छाज और दही, हर पल यहाँ आओ पियो जो है समा कल हो ना हो। अच्छा है ना? रोज दिन ऑफिस ऑफिस ऑफिस। प्रेम प्रेम प्रेम। यस सर। तो कहाँ घूमता रहता तू? अब इनमें छुट्टे पैसे हैं क्या? पैसे तो नहीं है सर। पैसा क्यों सर, क्यों चाहिए? अरे चाय ऑर्डर करके आना है। अरे सर चाय छोड़िए, आज तो मैं आपको ठंडा पिलाने वाला हूँ। अरे क्या मेरी शादी में आया ठंडा पिलाने वाला हूँ? पैसे संभाल कर रख, कर भी चाय भी नहीं है, जा। अब एक बात बताइए, बार इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? सर ये तो सारे इंश्योरेंस निकलने आए। वो तो मुझे भी पता है। अब तू एक काम करना, अब इनमें से किसी को मस्का लगाना यार, एक आधा मुझसे भी इंश्योरेंस करवा ले यार प्लीज। है सर ये पैसे देने की जरूरत नहीं है, ये तो सारे आप ही से इंश्योरेंस निकलने आए। क्या बात कर रहा है? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। नहीं नहीं सही बता। बिल्कुल, यू ट्रस्ट मी सर, ये सारे आप ही से इंश्योरेंस निकालने वाले। अच्छा बिल्कुल। तो एक काम कर, एक एक करके सबको बारी बारी अंदर भेज, फिर मैं तुझे ठंडा। अच्छा मैं अभी आया सर। अरे वाह राजू, मेरी लाइफ बना दी तूने। भगवान जी थैंक यू। अब प्लीज प्लीज आइए। अब आपका नाम? आशीष जी। आपकी उम्र? 24 साल। आप आशीष जी, आप कौन सी पॉलिसी लेंगे? 1 लाख 2 लाख? 1, 2, 1, 2, 3, 4
वाह क्या गाना है, मुझे इसी गाने की तलाश थी। सिचुएशन पे बिल्कुल फिट फिट। ये लो, थैंक यू सो मच। ये लो तुम्हारा एडवांस। अरे बाबा थैंक यू कमाल है। ये बताओ गाना कब रिकॉर्ड करेंगे? बस अब आप चिंता मत कीजिए, देखिए आपने मुझे मेरा साइनिंग अमाउंट दे दिया, मैं इसे आज ही जाके अपने बैंक में डाल लूंगा। दो दिन के बाद ये कैश हो जाएगा, उसके बाद मैं ढूंढ कर एक अच्छा सा सेक्रेटरी रख लूंगा। आप एक काम कीजिए, उसे फोन कर लीजिएगा, वो आपको डेट दे देगा, ठीक है? सुनिए, देखिए वो राजू चाय लेके आ रहा होगा, चाय आप जरूर पी के जाइएगा, प्लीज पहली बार मेरे घर आए हैं। मेरा बैंक बंद हो जाएगा, मैं जरा बैंक में जाके डाल के आता हूँ, जरूर पी के जाइएगा। थैंक यू, वाह वाह वाह, अरे वाह वाह, क्या गाना मिल गया, सिचुएशन पे बिल्कुल फिट। हम तुम पे मरते हैं, तुम हम पे मरते हो, हम तुम पे मरते हैं, तुम हम पे मरते हो। अब क्या होगा आगे देखिए कल रात 9:30 बजे। हम जो भी हैं जैसे भी अच्छे हैं, झूठे हैं लाख सही दिल के सच्चे हैं। प्यार भरा हो अपना आंगन, रिश्तों की खुशबू से महके तन मन। कभी नजर ना लगे हम सबके घर को, चलो शुक्र करें हम अपने रब को। बात जुबां की सांस को तो समझो दिल भर जानी, इस मिट्टी के लिए हम अपनी दे देंगे कुर्बानी। थोड़ी हमें होशियारी है, थोड़ी है नादानी, थोड़ी है सच्चाई हमें, थोड़ी बेईमानी। फिर भी